ये पुलिस वालों की बहन बेटियां नहीं है, इनकी भी हैं। वो तो सच्चाई लाइव चल रहा था, सब कुछ तो देख रहे थे। वो गाली गलौज कर रहे थे, लड़कियों के बाल पकड़ के घसीट रहे थे। रेसलरों के जो देश के लिए लड़ती हैं, जो शान है, जिसे मान सम्मान दिया जाए, आज उन्हीं के बाल पकड़ के घसीट रहे थे। ये साक्षी मलिक की सासू माँ हैं आप उनकी। जब मीडिया में ये खबर रात में चली तो अभी सुबह के करीब 4 बजे का वक्त है, और मीडिया को भी अंदर जाने से रोका गया और बाकी प्रोटेस्टर्स से उनको भी जाने से रोका गया। लेकिन जो माताजी और ये उनके परिवार के हैं तो जाने दिया। आप लोग फिर अंदर गए तो बातचीत हुई? हाँ, बातचीत हुई है। तो नहीं, पूरे परिवार को कहाँ जाने दे रहे? आधा परिवार तो बाहर खड़ा है। परिवार तो रोक रखे यहीं पे, हमारा परिवार तो यही जो रोक रखे, अभी नहीं जाने दे रही है इनको। तो आप लोग कितने लोग गए थे अंदर? 4-5 गए थे हम। अच्छा, तो साक्षी से बात हुई आपकी? हाँ, वो थोड़ी सी, वो तो हमारे सारे बंदे कहीं बंदे कहीं कहीं रोक लिए, रास्ते में रोक लिए, आने नहीं दिए। अच्छा। हाँ, और बाकी जो गांव वाले परिवार माजरा गांव से हैं सारे। अच्छा। हाँ, साक्षी के परिवार से आ रहे हैं, इनको भी अंदर नहीं जाने दिया। अच्छा, तो साक्षी से आपकी बात हुई तो उन्होंने क्या बताया? काफ़ी हंगामा करा पुलिस वालों ने, काफ़ी जो हमारे साथ आए थे, जिसकी गाड़ी में हम आए थे, हमारे परिवार वाले हैं, उन्हें पुलिस उठा के ले गई। तो गाड़ी वहाँ पर खड़ी है, उनकी खुली ही पड़ी है, तो काफ़ी हंगामा कराया है। वो कीचड़ था तो उन्होंने ये सोचा था कि थोड़ा हा नीचे कैसे होंगे, गद्दे वद्दे सब उठा दिए थे, बारिश आ रही थी सारे दिन की, तो चारपाई उन्होंने बोला था भी कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं कर रहे हम, चारपाई ले जा रहे हैं अंदर। तो उसी चीज़ जब वो पुलिस वाला दारू पी रहे थे, उन्होंने गाड़ी ग्लोच करना शुरू कर दिया, तो उसमें काफ़ी 2 बच्चों हैं, सर भी फूट रहा है। तो अभी तो यही है, अभी वो सो रहे थे। अच्छा, अभी सो रहे थे? अभी सो रहे थे। हाँ, और किससे किससे बात हुई आप लोगों की? बस अभी तो नहीं, वो सो रहे थे, थोड़ी सी उनकी तबीयत खराब थी ना, तबीयत खराब थी ना, तो फिर वो हमने नहीं उठाया, उठाया नहीं किए। अच्छा, तो इसे पुलिस कह रही कि खाट ले जाने से रोका, उसके बाद विवाद हुआ। हाँ, ये फोल्डिंग वगैरह है, फोल्डिंग वगैरह ले जा रहे थे, खाट तो क्या ले जा पाते, फोल्डिंग वगैरह थे, कीचड़ है, कैसे सोएंगे, तो उसी बात पर हंगामा करते पुलिस वालों ने। तो अभी अंदर कितने लोग हैं? नहीं, ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं, अंदर जाने दिए, सब बस भर के ले गए, कहीं रोक रखे हैं बस की बस, ये रक्षाकार और कितने दीपेंद्र वो जो आए हैं सबको उठा ले गए, सबको उठा ले गए। ये तो हमारा परिवार, परिवार जो माजरा गांव से ये छोड़ रखे ना, बाकी सबको उठा ले गए बस भर भर के, अंदर किसी को नहीं जाने दिया। तो पुलिस वालों का आपसे व्यवहार कैसा था? वो तो आपको ले गए, पुलिस वालों का तो एक दिल का व्यवहार नहीं था, जब ठाठा गाड़ी हम भर ले गए। हाँ, उन्हें ये नहीं देखा आगे परिवार है, ये लड़कियां हैं, ये सिर्फ एक रेसलर नहीं है, ये पुलिस वालों की बहन बेटियां नहीं हैं, इनकी भी हैं, ये भी अपनी वो कोई इंसानियत दिखा नहीं रहे हैं। जो इन ये सोचना चाहिए कि ये जो बेटियां बैठी हैं, ये सिर्फ एक रेसलर नहीं बैठी हैं, पुलिस वाले घर में ही बहन बेटी हैं, हर किसी की बहन बेटी है, तो इन्हें भी तो सोचना चाहिए ना। मान लिया इनके ऊपर ऑर्डर है कि कौन ऑर्डर दे रहा है, कौन ये तमाशा करवा रहा है, पर इनको भी तो थोड़ा सा अपना इंसानियत दिखानी चाहिए। भैया बैठी हैं ये सिर्फ अपने लिए नहीं बैठी हैं, हर बहन बेटी के लिए बैठी हैं ये। हम रोते तो बहुत शर्म की बात है, ये बहुत ज़्यादा शर्म की बात है। हम रोहतक से चले, उससे पहले तो हमारे जो बंदे रिश्तेदार यारे प्यारे सब यहाँ आ गए, उनको तो उठा ले गए बस में, कई बस भर के गई हैं बंदे भी। तो अभी जैसे रात में कुछ लोग आए हैं, ये लोग भी आपके गांव से हैं? हाँ, ये हमारे गांव से हैं। अच्छा। हाँ, माजरा गांव से, जहाँ साक्षी मलिक की शादी हुई है। अच्छा। वहाँ से, वहाँ से। तो आप लोग को क्या पता लगा? आप लोग तो अभी जस्ट 4 बज रहा है तब पहुँचे हैं। हम भाई साहब फ़ोन देख रहे थे, जैसे फ़ोन पे पता चला कि भाई ऐसे ऐसे हंगामा हो गया, उनके को फोल्डिंग ले जाने लग रहे थे, तो उनका कुछ पुलिस वालों ने कहा सुनी हुई, उसमें फिर उन्होंने गाड़ी गलोच दारू पी रखी थी उन्होंने, तो ऐसा आरोप लग रहा है जो एक पुलिस वाले का नहीं, वो सच्चाई है, वो तो सारी जो नेट पे है, ये परिवार है नेट पे ही देख के तो आए हैं यहाँ पे, वो तो सच्चाई लाइव चल रहा था सब कुछ, तो देख रहे थे। वो गाली गलौज कर रहे थे, लड़कियों के बाल पकड़ के घसीट रहे थे, रेसलरों के जो देश के लिए लड़ती हैं, जो शान है, जिसे मान सम्मान दिया जाए, आज उन्हीं के बाल पकड़ के घसीट रहे थे। तो आपकी विनेश या बजरंग किसी और से बात हुई? हाँ, हुई है, उनसे बात हुई है, लेकिन उनकी थोड़ी तबीयत खराब थी तो ज़्यादा नहीं बात हो पाई। किसको चोट लगी है, किनको? ये एक तो वहीं पर जो का भाई है, संगीता का भाई है, और एक और बजरंग का भाई है शायद, उनका दोनों चोट लग रही है। तो आप लोग के सामने उनको ले गए थे या पहले ले जा चुके? पहले ले जा चुके थे हम, बाद में पहुंचे। अच्छा, तो अभी अभी आप लोग घर चले जाएंगे या फिर रहेंगे? हम तो आए जब काफी बंदे आए हुए थे, उनको बस में उठा चले जाते, घर पे चले जाते, फिर आ जाते हैं वापस।
तो आप लोग आते रहते हैं प्रोटेस्ट में? रहते हैं जी, हाँ जी। तो वहाँ पे खाने पीने का उनका जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो सब? अभी तो उनके पास कोई खाने पीने का था नहीं, ये कुछ भी। तो हमारे आए बाद में हैं, गांव से चले हैं तो बाद में आए नहीं, पहले आ जाते, इनको भी उठा ले जाते, लेकिन ये तो आए बाद में हैं। आप लोग हाँ थोड़ा जैसे लंबा चल के आया, मैं तो फोन पे पता चला जैसे देखा था, तो उसमें भाई ने फोन किया कि भाई ऐसे ऐसे हो गया, तब हम तो उठ के तब आए, कोई लाइव चल रहा था सारा प्रोग्राम। तो आप इनके कुछ रिलेटिव लगते हैं? हाँ जी, सत्यव्रत का भाई हूँ मैं। अच्छा, हाँ जी। तो आप लोग जैसे आ रहे थे तो क्या क्या पुलिस ने रोका या फिर पूछताछ तो की थी? ऐसे हम बोले कि हम तो कोई काम से जा रहे हैं। अच्छा, हाँ जी। तो आप लोगों को सोशल मीडिया के थ्रू पता चला? सोशल मीडिया के थ्रू पता। किसी से बात भी हुई? नहीं नहीं, किसी से बात नहीं हुई हमारी। अच्छा, फोन पे किसी से बात नहीं हुई, हमें तो लाइव देख के तब हम वहाँ से महाभारत चलो गाड़ी। माता जी लोगों से कोई बात हुई? नहीं नहीं नहीं, हमारी किसी से कोई बात नहीं हुई। तो और लोग भी गाँव से आए हुए थे? हाँ आए हुए थे, पता नहीं जो मतलब देख नहीं पाई मैं तो बाद में आई थी तो उन बस में उठाने लग रहे थे। तो ये सुबह के 4 बजे का वक्त है और रात में जो है हंगामा हुआ खाट ले जाने को लेकर के, जो पहलवान प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मेन आप सब जानते हैं कई दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा है, ब्रजभूषण शरण सिंह जो बीजेपी के एमपी हैं, भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी हैं, उन पे यौन शोषण के आरोप लगे हैं और उन पे FIR भी हुई। पहलवानों की मांग है कि उनकी गिरफ्तारी की जाए और उसको लेकर के ये प्रोटेस्ट लगातार चल रहा था। बीती रात जो है 3 मई की तारीख थी और उसमें जब प्रोटेस्ट के दौरान ये बारिश हुई, बारिश में खाट ले जाने की कोशिश हुई। पुलिस का ये पक्ष है, पुलिस का कहना है कि उसी दौरान आम आदमी पार्टी के नेता और सोमनाथ भारती वहाँ पहुँचे, जिसके बाद विवाद बढ़ गया, उसमें तू मैं हुई, फिर उसके बाद धक्का मुक्की हुई और उसके बाद जो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुए। आरोप एक पुलिस वाले पे है, जैसा इनके परिजन भी आरोप लगा रहे थे कि शराब पी रखी थी। ये मेडिकल जांच होगी उससे पता चलेगा, लेकिन हाँ ये बात सत्य है कि पुलिस ने जो सिपाही जिन पे आरोप लग रहे थे उनको वहाँ से हटाया और उनको वहाँ पे मेडिकल के लिए ले जाया गया। 2 पहलवानों को चोट लगी हुई है, वो चोट कैसे लगी पुलिस का कहना है, जो पुलिस का वर्जन है वो ये कहना है कि दौड़ भाग में सीढ़ियों पे चढ़ते हुए कहीं पे कोई इमारत है पीछे वहाँ पे जा करके उनकी चोट लगी, ये पुलिस का कहना है जो पुलिस के सूत्र कह रहे हैं। और परिजनों का आरोप है कि पुलिस वालों ने मारपीट की, धक्का मुक्की की, जिससे उनको चोट लगी, सिर में चोट लगी और उनको मेडिकल के लिए ले जाया गया। अभी आप देखेंगे तो सुबह के 4 बजे का वक्त है और कुछ लोग गांव से आए हुए हैं, परिवार जो उनसे मिलने गया था वो मिलके वापस लौटा और उन्होंने जो बातचीत वहां देखा वो हमें लगा कि आपको दिखाना चाहिए, उनकी बातचीत, उनका पक्ष भी आपको आपके सामने रखना चाहिए। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरे साथ कैमरे के पीछे करमजीत हैं और मेरा नाम है अभिनव। देखते रहिए दी ललन टॉप।